सो रिसेंटली एक करियर काउंसलिंग सेशन में एक बंदा था जो कि HDFC होम फाइनेंस में काम करता था एंड ही वॉज वर्किंग एज अ BA ओवर देयर. सो ऐसे नहीं कि बिजनेस एनालिस्ट नहीं था, बट बिजनेस एनालिस्ट था सर्विस साइड में, फिर बिजनेस एंड पे काम करता था इन HDFC. तो उसको सर्विस साइड के बिजनेस एस्पेक्ट सारे पता हो गए थे, बट अभी उसको क्या करना था, उसको करना था प्रोडक्ट साइड में स्विच, प्रोडक्ट का बिजनेस एनालिस्ट बनना था. तो मैंने उसको कैसे गाइड किया एंड क्या हमारा डिस्कशन था उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले. सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो, सबसे पहले उसका सिनारियो प्रीटी क्लियर, ही नोज हाउ बिजनेस वर्क्स, राइट. HDFC होम फाइनेंस में वो खुद बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैंडल करता था और जो भी सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते थे उनके सेल्स वाले, उनको जाके रिक्वायरमेंट्स देता था एंड ही यूज टू गेट इट एग्जीक्यूटेड. ये उसका काम था, बट अभी उसको एक्सप्लोर करनी है न्यू चीजें. दैट्स द रीजन ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू प्रोडक्ट BA. सो व्हाट आई सजेस्टेड हिम इज कि सबसे पहले तो उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. विद सर्विस साइड का एक्सपीरियंस बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनीज ले लेते हैं, बट अगर वो किसी प्रिसाइज प्रोडक्ट कंपनी को टारगेट कर रहा है, जैसे अभी लेट्स से वो CRM में जनरली देख रहा था जॉब अपॉर्चुनिटी की, CRM कोई भी कंपनी, द रीजन इज बिकॉज उसने बिजनेस एंड से भी CRM के रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैंडल करे थे. तो CRM में ऑब्वियसली उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा. भी लेट्स से मैं खुद एक CRM कंपनी में ही बिजनेस एनालिस्ट हूँ. सो ये सारे जो कंपनीज है उसमें वो इंटरव्यू दे सकता है, डायरेक्टली दे सकता है. अगर कोई प्रोडक्ट पे उसने ऑलरेडी काम किया है तो मेजॉरिटी ऑफ द CRM प्रोडक्ट्स वर्क इन सिमिलर लाइन अनटिल एंड अनलेस आपको CRM के बारे में पता है. सो उसको मैंने सजेस्ट वही किया कि पहले तो रेज्यूमे, एक प्रॉपर रेज्यूमे आप बिल्डअप कर लो एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग एग्रेसिवली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी. नाउ व्हाई ही डिसाइडेड टू डू दिस थिंग, द रीजन वॉज प्रीटी क्लियर कि फर्स्ट तो उसको अलग थोड़ा एक्सपीरियंस करना था, सेकेंड वॉज जो सर्विस साइड में काम होता है उसमें टेक्निकल या फिर सल्यूशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम काम रहता है. जो भी काम रहेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि बिजनेस को ये रिक्वायरमेंट चाहिए, वही जाके आपको जाके देना है और इम्प्लीमेंट करवा के लेना है, राइट, विच इज़ नॉट ऑफ दैट यूज़. उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो वो चीज़ उसको नहीं करनी थी एंड यू वॉन्ट टू अपग्रेड नाउ. दैट इज द रीजन यू टुक दिस डिसीजन. अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए. एंड आई बटन चेकआउट करना मत भूलना, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट रिलेटेड टू बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल आपके लिए मैंने वहाँ पे लिंक देखे रखे. गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास एक्चुअली सेशंस आते हैं जिसमें सर्विस एंड से प्रोडक्ट एंड पे जाना है ना. वो प्रोडक्ट एंड पे जाने के बाद में बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं. फर्स्ट तो आपको एक प्रोडक्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोडक्ट एंड पे कैसी काम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है, राइट. सर्विस एंड पे काम काफ़ी डिफरेंट है देन प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट एंड पे एक प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, प्रोडक्ट कैसे बिजनेस यूज केस को मैप करना है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट एंड पे हमें पता चलती है. एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट कंपनीज में थोड़ा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट रहता है तो वो आपको अपग्रेड करने में काफ़ी हेल्प करता है. सो ये सारे बेनिफिट्स है जिसके वजह से उस बंदे को भी करना था एंड दैट्स द रीजन ही वांटेड टू स्विच इनटू प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप अभी आपको पता है कि बिजनेस एनालिस्ट सर्विस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जनरली क्यों स्विच करते हैं. एंड दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वन ऑफ माई काउंसलिंग सेशंस में जो बंदा आया था वो भी करना चाह रहा था. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल के बारे में इन डेप्थ जानना है, ऑब्वियसली हमारा मास्टर क्लास विच कवर्स एवरीथिंग, अगर अभी तक उसमें आपने एनरोल नहीं किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आई हाईली रिकमेंड यू टू एनरोल इन बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास. मैंने खुद बनाया है जिसमें मैंने स्क्रैच से टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड फॉर यू. ऑल्सो वी आर रनिंग अ स्पेशल डिस्काउंट, उसका कूपन कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी डाउट है इन योर करियर, यू वॉन्ट टू हैव अ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद मी, देन डेफिनेटली आप टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक कर सकते हो. लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस your career difficulty. That's it for this video. Thanks for watching.